हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं अमन विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन विश्वकर्मा। तो हम लोग विद्यालय से वीडियो डाल रहे हैं, ठीक, पढ़ाई से रिलेटेड। तो बच्चे, कुछ बच्चे हैं वो वीडियो देख नहीं रहे हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं वो अच्छी बात है। और आप लोगों के टीचर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है कि इस लॉकडाउन के चक्कर में हम आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लास नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग और हमारे जो स्कूल की पूरी फैकल्टी मेंबर है वो आप तक आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो आपके टॉपिक हैं उनकी वीडियो आप तक भेज रहे हैं, ठीक। तो कोशिश आप लोग ये करें, फिर भैया बहनों कृपया वीडियो को देखें और पूरा देखें। एक बार समझ में आए तो आप उसको दूसरी बार देखें, ठीक, लेकिन उसको अपना कंप्लीट करें और वो सब्जेक्ट जो आप उसके नोट्स भी बनाएं, क्योंकि आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं सारे। आप इस साल का तो हमें पता नहीं कि अब लॉकडाउन कब से ओपन होंगे, तो तब तक आप घर पर ही रहें और घर पर ही तैयारी करें। अब कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर आप लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो मेरा वो माहौल नहीं बन पा रहा पढ़ने का, ठीक। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप लोग जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हो उसमें मन नहीं लगता। तो देखो मैं एक बात बता दूँ उनके लिए, ठीक, मन लगता नहीं है, मन हमें लगाना पड़ता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अगर आप कोई भी चीज़ मन से करो तो 100% लेकिन वो चीज़ हो जाए। अगर आपने उस चीज़ का मन ही नहीं बनाया, आपने सोचा कि नहीं यार मेरा मन नहीं लग रहा, मैं नहीं करूँ, तो कोई भी चीज़ वो आप नहीं कर सकते, ठीक। जैसे आपका मन नहीं होता भी आप उस चीज़ को कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई का एक टाइम बनाए, ठीक। आप जो घर पर भी स्टडी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से ही पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब हम लोग तो देखने के लिए आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब बच्चा एक तरह की मतलब अब एक जगह तो रहते नहीं, पूरे आसपास के एरिया से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए अब हम खुद के घर तो जा नहीं सकते, क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है कोरोना का उसकी वजह से, ठीक। और फ्रेंड्स, तो क्या करें, आप अपना एक टाइम निश्चित करें पढ़ने का कि आपको किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और रही मैथ की बात, क्योंकि मैं आपको मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो आप मैथ को या तो देर में सॉल्व करें, ठीक, आप जिस टाइम आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उस टाइम आप फिर सॉल्व करिए। अगर आप गणित सॉल्व करेंगे ना तो आपका गणित में मन जरूर लगेगा, ठीक। सुबह टाइम आप याद करने वाली चीज़ पढ़िए जो आपको याद हो जाए अच्छे से, आप उसको आसानी से समझ सकें। जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गई, मतलब मैथ के अलावा जो भी टॉपिक है उन्हें आप मॉर्निंग टाइम में कवर कीजिए, ठीक, सुबह टाइम कवर कीजिए। और मतलब बस जो सुबह का जो पढ़ाई होती है, ठीक, जो हम शाम को भी स्टडी करते, दिन में भी करते और सुबह में करते, तो जो सुबह में जो हमारा पढ़ाई में मन है वो ज़्यादा लगता है दिन की अपेक्षा और शाम की अपेक्षा। इसलिए सुबह आप वो सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता हो, सबसे ज़्यादा कठिन लगता हो, वो वाला सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और आपको अभी निरंतर पढ़ते रहना है, ये नहीं सोचना है कि जब स्कूल खोलेंगे तो हम अपनी पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो अभी, ठीक, क्योंकि अभी कोई सरकार की तरफ से नोटिस नहीं आया कि आपके स्कूल कब से खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, अभी इस पर कोई प्रमाण नहीं है, ठीक। अब कुछ लोग बच्चे बोलते सर अब मोटिवेट करो हमें, तब जाके हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई मोटिवेट करने वाला ही नहीं है और हम सब पढ़ ही जा रहे हैं, पढ़ते तो पढ़े जा रहे हैं, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। तो क्या करें आप, जो आपके गार्जियंस हैं, आपके माता पिता हैं, उन्हें आप सुबह उनके पैर छूए, जैसे भैया हैं तो अपने माता पिता के पैर को छूए, और मैंने अपने माता पिता को और नमस्कार करें, नमस्ते करें, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्या आती है पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक अच्छी सोच डेवलप होती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर अच्छा फील होगा। और आपका पढ़ाई में मन ना लगे ना तो क्या कीजिए, आप अपने माता पिता के चेहरे की तरफ देखिए, उनकी स्थिति को देखिए कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। और जिस दौर से वो गुजर रहे हैं ना, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, जो हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, वो इस दौर से ना गुजरे, वो मुझसे 100% अच्छा करे, ठीक, मुझसे वो 100% अच्छा करे, इसलिए वो आपको पढ़ा रहे हैं। अब आपके माता पिता भी अभी इस पर खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, ठीक, आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता को ऐसा लगना चाहिए
कि हाँ हमारा बेटा घर पे भी पढ़ रहा है, लेकिन बिना स्कूल के भी जाए हमारा बेटा पढ़ सकता है। इसलिए हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, हमारे पूरे टीचर है, स्कूल का स्टाफ है, वो सब आपके लिए ऑनलाइन क्लास दे रहा है, हर सब्जेक्ट की दे रहा है। ठीक, और जो हमारी सरकार ने भी बहुत सारे चैनल चलाए, आपके अभी जो डीडी नेशनल तक प्रदेश में भी आपकी क्लास चल रही है, 9, 10, 11, 12 और भी क्लासेस चलती रहेगी धीरे धीरे। ठीक, और भी चैनलों पर चल रही है, तो हमारा प्रयास यही है कि आपको एक अच्छी शिक्षा दी जाए, आपके लिए एक अच्छा एजुकेशन माहौल तैयार किया जाए, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ये नहीं हो सकता कि सर लोग मेहनत करें और आप लोग वीडियो बना देंगे, आप लोगों को पता चला माता पिता ने मोबाइल दिया पढ़ने के लिए, आप लोग को चोर चलाने बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं है। अगर पढ़ाई में मन नहीं है हमें लगाना होगा, क्योंकि आप इस देश में आए, आप इस संसार में आए, कैसे चले जाएंगे क्या? नहीं, अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, अपने समाज के लिए, अपने इस देश के लिए। तभी तो देश वाले, समाज वाले, परिवार वाले बोलेंगे कि हाँ भाई वो एक बंदा था, उसने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया। ठीक, उससे क्या होगा, आपका तो नाम होगा ही, लेकिन आपके माता पिता का नाम होगा, आपकी सोसाइटी का नाम होगा, और आप अच्छा काम करेंगे तो आपके देश का भी नाम होगा कि आपने एक देश के लिए कुछ किया। तो जब हम इस धरती पे आए हैं तो हम कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? हमें अच्छे वर्क करना है, हमें अच्छा वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। कैसा वर्क करना है? स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या मतलब है कि आपका जो हार्ड वर्क है उसमें आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं, ठीक, पढ़ते रहते हो, लेकिन हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। स्मार्ट तरीके से कैसे, हम कैसे स्मार्ट तरीके से करें कि जो, जैसे मान लो आप कोई बंदा किसी चीज को याद करने में, समझने में 1 घंटा ले रहा है, ठीक, तो आप क्या करें, स्मार्ट तरीके से उसे समझें और उस चीज को आप आधे घंटे में याद करें, कितने घंटे में याद करें, आधे घंटे में। टाइम ये डिपेंड नहीं करता कि आप 3.5 घंटे आपके जो पेपर एग्जाम हॉल में 3.25 घंटे मिलते हैं। ठीक, अब देखो हर बंदे को तो आता सब कुछ है, ठीक, सभी के लिए सब कुछ आता है, लेकिन और मार्क्स उसी की अच्छी आती है जो स्मार्ट वर्क करता है। क्यों? क्योंकि आपको आता तो है, लेकिन अब उसको आपको लिखना भी तो है, आपके जो बोर्ड की कॉपी रहती है 10 और 12 के, आप जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें आपको लिखना भी तो है। अब एग्जामिनर को थोड़ी पता कॉपी चेक करने वाले को कि आपको कितना आता है, आप कॉपी में कितना लिखते हो उससे पता चलता है। और लिखने से मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख लो, जो आपका टॉपिक है, जो आपका क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड भी आंसर लिखेंगे आप, ठीक, तो उसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हमें 3.25 घंटे में पूरा एग्जाम सॉल्व करना है, पूरा पेपर सॉल्व करना है। आता तो सबको पूरा एग्जाम है, लेकिन वो टाइम एडजस्ट नहीं कर पाते, उनका टाइम और किसी न किसी टॉपिक में ज़्यादा लग जाता है, या एक आधे का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो उनके माइंड के लिए डिस्टर्ब कर देता है, क्या कर देता है, उनके माइंड के लिए डिस्टर्ब। अब उसके चक्कर में क्या होता है, पूरा एग्जाम लग जाता है बच्चों का, क्या बिगड़ गया था उसके चक्कर में एग्जाम, क्योंकि अब एक क्वेश्चन आया बोर्ड ही आया, उन्होंने उसमें 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट कर दिए, अब पता चला उसी के चक्कर में जो आ रहा था वो भी छूट गया। हमें स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, ऐसा करना है स्मार्ट तरीके से, और हम अपने टाइम बना रहे हैं पढ़ाई का कि हम किस टाइम क्या पढ़ेंगे, मॉर्निंग टाइम क्या पढ़ेंगे, और समथिंग आपको बेहतरीन पढ़ाई करनी है, ठीक, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, मत सोचे कि जब स्कूल खुलेंगे हम तभी स्टडी करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचे, क्योंकि इस साल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कोई नोटिस नहीं दिया है कि आपके विद्यालय कब से ओपन होंगे। ठीक, अब बोल तो रही है गवर्नमेंट की सितंबर से खोलेंगे, लेकिन अब देश की कंडीशन ऐसी आ रही है तो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक, क्योंकि अब मोदी जी तो सभी के साथ चलेंगे ना, अब बच्चों को थोड़ी देखेंगे, हर एक चीज को देखना है। अब बच्चों से ही ले लो, मान लो एक क्लास में 20 बच्चे यार है, अगर भगवान ना करे गलती से अगर 20 बच्चों को कोरोना हो गया, तो आप सोचिए वो 20 बच्चे अपने 20 घरों में जाएंगे, अब एक घर में कम से कम 5 मेंबर होंगे, तो वो एक बच्चा 5 को करेगा तो 20 कितने को कर देंगे, 100 को, ये अनुमान लगाया हमने, बताया है, तो इस प्रकार से पूरे देश में कोरोना फैल जाएगा। ठीक, अभी तो फिलहाल अभी तो थोड़ी बहुत रोक है,
अभी गांव वगैरह में तो है ही नहीं उतना ज्यादा, लेकिन सिटियों में पहुंच गया है। इसलिए यही कोशिश की जाए कि स्टे सेफ एंड स्टे होम, घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें। आपके टीचर सभी आपके साथ हैं, जो भी क्वेश्चन आपको ना आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके पास नंबर उपलब्ध है, ठीक, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर इसके डाल दिए जाएंगे। और आप मैसेज करके जो भी आप वीडियो देखते हैं उस पर आप मैसेज कीजिए, सर ये वाला टॉपिक मुझे इसमें समझ में नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे उस टॉपिक की फिर से अलग से फिर से एक वीडियो उपलब्ध कराएंगे आपके लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, आपके लिए बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए, आपकी जो एजुकेशन है जो शिक्षा है उस पर कोई प्रभाव ना किया जाए ना पड़े, ठीक। तो फ्रेंड्स आपको प्यारे भैया बहनों आपको अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से थोड़े बहुत मोटिवेट होंगे और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए और अपने विद्यालय के लिए और सभी का मतलब बहुत और सभी लोग आपके साथ हैं, ठीक। आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं और ऊंचाइयों को छुइए, ठीक, जिससे आपका नाम रोशन हो, आपके विद्यालय का, आपके माता पिता का, आपके समाज का, ठीक। तो इसी के साथ तब तक के लिए अब आप लोग क्लासों को देखते रहिए, ठीक, क्लासों को धन्यवाद।